फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट के स्टार्टर में जो खाना है बिल्कुल फ्री खाएं। हाँ हाँ बताता हूँ। पहला मोरोक्कन फ्यूजन ग्रिल्स फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट जो खुल चुका है कराची में, और इतनी रिलैक्सिंग थीम, क्वालिटी फूड, मेन्यू की प्राइसिंग देखेंगे तो यकीन नहीं आएगा कि कैसे पॉसिबल है यार। 250 और 395 रुपए में तो आप मजेदार से सूप एंजॉय कर सकते हैं। इनका मेन कोर्स की अगर मोस्ट सेलिंग डिश की बात करें, जिसका नाम है अफ्रीकन बर्ड आई, चिली चिकन विद राइस के साथ सर्व की जाती है, सिंगल पर्सन आराम से 625 रुपए में अवेल कर सकते हैं। मोर देन 50% तो भाई रिकरिंग कस्टमर है, मतलब एक दफा जो खा ले वो यहाँ पे आता है भाई। सुमक की प्लेटर की बात करें तो भाई ऐसे कबाब है, ट्राई तो दूर की बात, नाम भी नहीं सुना होगा। प्रॉन, चारमूला, मशकीकी कबाब, लोग में नाने कबाब, जूझे कबाब, तंदूरी बोटी, चिकन शीश बोटी, मटन चॉप्स, साथ में अफ्रीकन बर्ड आई विद राइस के साथ सर्विंग की जाती है, और ये हाफ प्लेटर 3 पर्सन आराम से एंजॉय कर सकते हैं। वैसे कुम्पीर जरूर ट्राई करिएगा, जो कि बनती है सुमक की स्पेशल क्रीमी मैश पोटैटोस से, ऊपर से मेल्टिंग चीज टॉप की जाती है। लोडेड मील है यार। रेस्टोरेंट चला रहे हैं एक फूडी फैमिली जो दुनिया भर के खानों को ट्राई करके कराची में फ्यूजन फूड लेकर आ चुके हैं। फैमिली के हर मेंबर्स के टास्क पहले से असाइंड है, वाइफ किचन और मेन्यू को क्लोजली देख रही होती है, ऑनर रेस्टोरेंट के एम्बियंस, डिजिटल साइड सब बच्चे संभाल रहे होते हैं। 3,000 से ऊपर के ऑर्डर पे स्टार्टर से कुछ भी फ्री मंगवा सकते हैं। फ्लैट 25% का डिस्काउंट एंटायर मेन्यू पे लंच पे चल रहा है, तो भाई हर कोई एंजॉय कर सकता है, कोई कार्ड की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्टोरेंट लोकेटेड है मेडिकेयर के जस्ट अपोजिट शहीद मिल्लत रोड पे। तो यार मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इनके मोरोक्कन फ्यूजन जबरदस्त से खाने ट्राई करने के लिए। तो फिर चलिए आइए इनके एम्बियंस, इनकी फैमिली से बातें भी करते हैं, फूड ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और ये जो रेस्टोरेंट हमने दरियाफ्त किया है ना, ये मैं नहीं ख्याल अब तक किसने किया होगा, और ये इनका क्लेम है कि कराची का पहला मोरोक्कन फ्यूजन रेस्टोरेंट, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है। लेकिन लोकेशन बड़ी जबरदस्त है, ये मेन हम मौजूद है शहीद मिल्लत रोड, आप मेडिकेयर हॉस्पिटल के जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट मेडिकेयर वाला आपका रोड चल रहा है। एग्जैक्टली, तो बहुत सिंपल लोकेशन है, बहुत सिंपल लोकेशन है, प्राइम लोकेशन के ऊपर है, फैमिली यहाँ पे आराम से आ सकती है। अच्छा, ये फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट के ऊपर हमारी इटसेल्फ एक अचीवमेंट है, हमारे जो है ये ऑफर इस तरह की जो अब तक अपनी नहीं निकली है, इसके अंदर कोई भी किसी भी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट ने अपनी ऊपर ऑफर नहीं दी है। यहाँ हम अनलॉक करने वाले एक ऑफर अपनी आवाम के लिए, बड़ी जबरदस्त ऑफर है भाई। आप स्टार्टर के अंदर जो खाना चाहे खा सकते हैं, किसी भी एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 3,000 आपको जो है कंज्यूम करना है बिल अमाउंट, 3,000 आप अपने मेन्यू में किसी भी तरीके से कंज्यूम कर। वैसे इटसेल्फ मेन्यू इनकी जो है ना, नॉर्मली जो प्राइसिंग है 500-700 रुपए की स्टार्टिंग प्राइस है, मतलब लग नहीं रहा कि इस थीम के ऊपर ये रेस्टोरेंट की ये प्राइसिंग, यानी कि हम चार बंदे आए और 3,000 का अगर आपने खाना खाया है ना, तो फिर हमें एक स्टार्टर का मतलब स्टार्टर है भाई, 1,000 रुपए का आइटम हो, 800 रुपए का आइटम हो, 900 रुपए कोई सा भी आइटम हो फ्री ले सकते हैं। उसके अलावा भाई अगर आप कह रहे हो कि यार 25% डिस्काउंट भी मिल जाए तो वो भी चल रहा है। आप लंच में आए शाम 5 बजे तक, और लंच के ऊपर भी ये ऑफर अवेलेबल है, मतलब थोड़ा नहीं आपके भाई, डबल ऑफर। कोशिश मैंने पूरी की है कि यहाँ से जो है ना आप इतना बेहतर हो सकता है, फॉलोअर्स को मिले, और फिर ड्राइव चेक करते हैं, आएंगे ऑनर से बात भी करते हैं। तो गाइस मैं रेस्टोरेंट में एंटर तो हो चुका हूँ, अभी फूड ट्राई करूंगा। तो मेरे साथ खालिद भाई मौजूद है और उनकी फैमिली भी, मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा टाइम निकाल लें क्योंकि सारे जो है मसरूफ चल रहे थे। खालिद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका अच्छा लगा मिला लेके। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त। आपकी फैमिली मैंने जो है वो सबको रोका हुआ भी स्पेशली कि भाई थोड़ी बात कर लें, क्योंकि सारे जो है वो अपने जो है ना टास्क डिसाइड हुए हैं सारे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो बड़ा जबरदस्त आपने फ्यूजन मोरोक्कन फ्यूजन, तो ये आपका क्या बैक स्टोरी क्या है, किस तरीके से जहन में आया कि यार ये मतलब लोग टर्किश खोल रहे हैं, इटली या पता हर तरह के, ये मोरोक्कन तो कैसा आया? मोरोक्कन खोलने का मकसद बेसिकली ये था कि टर्किश फूड ऑलरेडी यहाँ काफी आ चुके हैं, और इस मोरोक्कन फ्यूजन के इसके अंदर भी टर्किश फूड भी आता है, कुछ इरानी चीजें भी आती हैं, कुछ इसमें पाकिस्तानी चीजों को भी मिक्स किया गया है। तो इट्स अ फ्यूजन। जैसे हमारे आपने प्लेटर हमारा देखेंगे, इसमें जोजे कबाब है, वो प्योर ईरानियन कबाब है, बिल्कुल जूसी है, इसको बिल्कुल दही में बनाया गया है। तो जैसे जैसे जहाँ भी दुनिया में मैंने थोड़ा बहुत ट्रेवल किया है, उससे थोड़ा बहुत आप समझ रहे होंगे, वो बहुत कुछ है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कहीं से कुछ उठाया, कहीं से कुछ चीजें जो जो मुझे पसंद थी। बेसिकली मैं बहुत फूडी तो था ही, तो मैं हूँ भी, और मुझे पसंद भी बहुत ज्यादा, जहाँ से जो चीज बहुत ज्यादा पसंद थी वही अपने रेस्टोरेंट में मैं लाया हूँ। मतलब आपने मेन्यू के अंदर जो है वो हमें जो है वो हर तरह का फ्लेवर मिलने वाला है, हर तरह का फ्लेवर भी मिलेगा, प्लस हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखा गया है, क्योंकि हमेशा से था कि रेस्टोरेंट बहुत क्लीन होना चाहिए। और आपको पता है यहाँ नहीं, 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 नही
अपने लगा बिल्कुल 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 लग तो हाई एंड रेस्टोरेंट मेन्यू की प्राइसिंग आपने बिल्कुल जो है ना नॉर्मली रखी है, हर किस्म का खाना खा सके। मेरी ये बेटी है माशाल्लाह, इसकी शादी हो गई है, मैं नाना बन चुका, लेकिन फिर भी सैटरडे संडे इसने आना होता है। इनका रोल क्या है पहले ये बताएं, सोशल मीडिया सोशल मीडिया को भी देखती है। अच्छा, और प्लस इसके अलावा भी मुझे कोई चीज अगर डिस्कस करनी हो तो भाई ये सबसे बड़ी बात है, थोड़ी सी सोशल मीडिया वाली जनरेशन है, तो हम जो है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से टारगेट ऑडियंस को भी समझते हैं। और ऑब्वियसली जहाँ तक मेरी समझ है, मैं अपने जो है बाबा को एडवाइस भी करती हूँ, और रील हम देख रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे आइडियाज आ रहे होते हैं। तो आप जो है मेनली जो है वो मार्केटिंग वाली साइड है, आप मेन्यू के अंदर जो है वो आप जो है वो खाने वाली साइड देख रहे होते हैं, क्वालिटी मेंटेन करता हूं, मैं देखता हूं एडमिनिस्ट्रेशन सारा, मेरी वाइफ देखती है सोशल मीडिया और सारी ये चीजें। क्लास जबरदस्त है, मिलजुल के फैमिली वैली। थैंक यू सो मच गाइस, मैं फूड ट्राई करके बताता हूं कि जो बातें करने के बाद जो है ना मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई है। मैं आपको बताती हूं कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही होगा। ओह जबरदस्त, ये इस तरह ये कॉन्फिडेंट लेवल पे बोलना बहुत जरूरी है कि मेन्यू में मतलब पहले से पता हो गया आपको कैसे लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। मेरा नहीं पहले जो है ना मैंने जगह बना ली है, और ऐसे ऐसे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट के अंदर ये डील इस तरह की मिला के दिखाया तुम्हें मालूम भाई, कोई सीन नहीं है, कोई टोपी ड्रामा नहीं है, मतलब स्टार्टर के अंदर जो आपने लेना है आप ले सकते हो। 3000 रुपए आपने जो है ना कंज्यूम करना, और उसके बाद स्टार्टर कोई भी अपनी पसंद है, पिक कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे मैं कहता हूँ ये प्रॉपर मील है इटसेल्फ, इसके अंदर सारी हेल्दी चीज गई है, और मेरे पास नहीं तुम्हारी नजर इस पे होगी। यस, कुंपीर, ये कुंपीर है, सारी चीजें जो है पड़ के एक साथ ही जो है दोनों का पॉइंट आ जाएगा। चिकन पे अराउंड स्टेक का पीस भी होगा, ऑलिव्स कुछ ऑलिव ऑयल भी होगा। मैं जो है ना ये स्टीक ट्राई कर रहा हूँ, टेरिकॉन सॉस सारी चीज़ें गई हुई है, बनते भी आप लोगों ने देखा, उन्होंने नाइफ भी दिया हुआ। वैसे नॉर्मली लोग जो है वो तो कहते हैं भाई आपने कभी निपटना यार, मुझे जो है ना ये स्वाति वेजिटेबल जो है आपके लाइटली जो आपका स्वाति हुए में ना इसका मैंने थोड़े से ये लिए, और ये मैं डिप कर रहा हूँ टेरिकॉन सॉस ऊपर से, ऑलरेडी गया है भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चाहे मुझे ड्राइव जो है ना मैं ये ऐड कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये बन गया प्रॉपर बाइट। मैं इसमें राइस ऐड नहीं किया, बाकी सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। मैं आपको कहूँ आपके पास ये है ना राइस को आप ऐड करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, जो बात है जो इसका जो फ्लेवर आ रहा है ना प्रॉपर मेन्यू के अंदर जो प्राइसिंग है ओवरऑल इनकी पूरे इंटर मेन्यू की, ये मैं कहता हूँ कि नॉर्मल रेस्टोरेंट से जो है इन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल रखे हुए रेट्स। 1250 के अंदर आपको ये जो है ये मेन्यू के अंदर 1250 है, और लंच के अंदर 25% ऑफ भी चल रहा है। हाँ हाँ, हमारा एवरेज प्राइसिंग स्टार्टिंग होती है 1400-1500। और यार सबसे बड़ी बात है ये ना मुझे चल रही है, ये इसका पार्ट ही है, ये पार्ट ऑफ प्लेटर है, पार्ट ऑफ प्लेटर है, ये आपकी जो है अफ्रीकन बर्ड है। जी अफ्रीकन बर्ड, ये हमारी सिग्नेचर डिश भी है बेसिकली, अलग से अगर आप लें तो ये हमारी सिग्नेचर डिश है। तो ये इसके ऊपर ये जो सॉस दिया हुआ ये स्पाइसी सॉस है। जी बिल्कुल। Okay. ये देखने में जो है ना स्पाइसी लग रही है। हाँ मैं भी इस पे आता हूँ, तो आपके जो राइस इसके साथ जो पोर्शन गया हुआ है ये आपका जबरदस्त। अच्छा मुझे बताइएगा जरा कबाब के बारे में बताइएगा यार, ये कौन कौन से कबाब है? ये कबाब हमारे पास फर्स्ट जो आपके पास है ये कबाब लोग में बीस में लोग में। ओके, बराबर में जो है ये नाने कबाब आपको मिलेंगे, चिकन में बहुत जूसी जबरदस्त, और ये आपका चिकन शीश। चिकन शीश उसी टाइप की होती है, मैं भी ट्राई भी कर लेता हूँ चिकन शीश। बिल्कुल। बारबेक्यू सही है, एक तो देखो आपका टेम्परेचर जो है थोड़ा सा, मैं हमेशा कहता हूँ गिरता है ना बारबेक्यू की असल जो होती है वो बदल जाती है, ये थोड़ा सा हल्का सा हम इसको
इतना गरम गरम नहीं खा रहे, तो रोके खा रहे, मगर इट्स अभी है। इसकी ये इन्होंने जो यूज किया है ना, आई गेस इन्होंने ट्राई की। अच्छा ये कबाब के जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, माशी की। इसको हाफ करो अब्दुल्ला, यार मजा नहीं आया। जूसीनेस चेक करें, मैं तो मैं इसको हाफ करके, ये तो मुझे स्टेक के पीसेस लग रहे हैं। अच्छा ये माशी की कबाब, ये नाइस। अब आगे चलते हैं, आगे इसके आगे जाने का दिल नहीं चाह रहा। नेक्स्ट आपको ग्रिल वेजिटेबल्स में मिल जाएंगे, बहुत सारा इसके बाद आपको जोजे कबाब, ये हमारे मोस्ट ट्रेंडिंग है, बिल्कुल जूसी टाइप के, आप ट्राई करें इसको। अच्छा इसमें से कोई कबाब मुझे अलग से लेना हो, डेफिनेटली ये मेन्यू का पार्ट होगा। ये जोजे कबाब है और ये क्यूब्स है चिकन। तो जो कबाब की क्या ये रेसिपी, ये लोकल रेसिपी पे बन रहा है ये क्या? नहीं सर, आपको आप खा के चेक भी कर सकते हैं, आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। ये आपको पाकिस्तानी स्टाइल से हटके मिलेगा बिल्कुल। बड़ी बात है ये, मैं चिकन के दो से तीन वेरिएशन कबाब के, और हर कबाब यार हमें इस तक पहुंचने में थोड़ी सी देर भी हुई है, मगर इसका टेस्ट जो है वो वही है। और अब ये आ गया हमारे पास तंदूरी बोटी। तंदूरी बोटी हो गई, तंदूरी बोटी मैं तोड़ रहा हूँ ये तो। और ये मटन चॉप्स हो गई जी, ये प्रॉन्स की आपको इंक्लूडिंग मिलेंगे। प्रॉन्स तो देखो भाई, मैं प्रॉन्स दिखाता हूँ आपको, ये चेक करें यार। ये प्लेटर आप लोगों ने जो इंट्रोड्यूस करवाया है, इसमें मेरे नहीं ख्याल कि ये कोई कराची में जो प्लेटर्स मिल रहे हैं। नहीं यार, प्रॉन्स तो प्रॉन्स भी कर रहे हैं, अपनी फेवरेट चीज मिल रही है अबे। प्रॉन्स तो प्रॉन्स का और चीज चाहिए ट्राई करना है। कैमरामैन को यार, हमारे भाई यार, ये पहली दफा आप देख रहे होंगे रिव्यू के दौरान, कैमरामैन जो है वो हमारा ट्राई कर रहा है, क्योंकि आपने जो है वो कैमरामैन है तो हम है। जो ये शॉट आप देखते हैं ना, इसके पीछे जो है ना मेहनत मुझे नेचुरल चिकन काइंड ऑफ फीलिंग दे रही है यार। ये मुझे जो है ना फ्लेमिंगो चिकन की तरह ले रही है। हाँ यस, मैं पहले चिकन खाली ऐसी फ्लेवर एंजॉय कर लूं। सॉस वाला ट्राई करेंगे तो स्पाइस वाला फिर आ रहा है, वरना इतनी स्पाइसी नहीं है। यार ये अगर तीन से चार बंदे भी खाते हैं ना, तीन बंदे अगर देन चार तो नहीं, डेफिनेटली तीन बंदे खाते हैं तो राइस में खास अलग लेने पड़ेंगे, अलग से रोटी। मगर मैं ही कहूँगा यार, ये जो है ना अपनी क्रिएशन है और इसको इटालियन डेजर्ट कह रहे हैं। मैं डेफिनेटली इसको ट्राई करता हूँ, इसमें क्या चीज है जो डिफरेंट कर रही है। जेली के अलावा लेता बाइट, मतलब पूरा जेली जेली हो गया, क्रीमी मिल्की सही है, और बहुत बैलेंस स्वीट है। ऊपर से जो है पीना कोड़ा, इस वजह से भी कह रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ पाइनएप्पल ऐड हुए हैं, तो और एक कोड़ा फ्रेश फ्रेश ठंडा अच्छा लग रहा है। ये जो है ना इसको ठंडा फ्रेश करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंस है, और बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, कह रहे हैं यार बिल्कुल ही मीठा खाया नहीं जा रहा। जेली मैंने साइड में कर दी है, और ये वैसे ही ऐसा है कि ये बंदा आराम से खाएगा, ज्यादा मीठा ना भी खाने वाला होगा, तो बैलेंस स्वीट है। ये हम क्रीम कैरेमल कैरेमल कहाँ से ब्रेक करे भाई? यहाँ से ये ब्रेक आपने किया, यहाँ से मैंने कर दिया, ये आ गया ये साइज। अगर इतना बड़ा मैं ट्राई नहीं करूँगा बड़े, इतना बड़ा बाइट ले रहे हो ना दिखाने के लिए। ये देखें ये फौरन जो है वो ट्राई करने वाला नहीं। लोग एक्सप्रेशन पकड़ लेते हैं पता है यार। हाँ? मैं ना इसको ट्राई करने से पहले ना इसको बहुत हल्के में ले रहा था तुम इसको ले लोगे ये यार ये पुडिंग होनी रहती है पुडिंग होनी होगी मगर यार मैं गलत था। दामन दामन
ठीक है, खुद रन कर रही है, हर चीज कंट्रोल के अंदर है, तो आए रिकमेंडेशन आप लोग बताइएगा ट्राई करके, तो मुझे नहीं, इनको इजाजत देना है।